हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और ये देखो, ये क्या है? ये भुने हुए चने के लड्डू हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। यही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये छोटे बच्चों के लिए ना ज़रूर से बनाना, जो जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये लड्डू रामबाण का काम करेंगे, दिमाग को भी बहुत शार्प करेंगे। और ये जो इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी वो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो काइंडली जुड़े रहना मेरे साथ पूरी वीडियो में। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और जाते जाते एक चिपका जाना। और ये जो लड्डू हैं, ये इसमें ना तो गैस जलाने की ज़रूरत है, ना ही मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ना ही पसीना बहाने की ज़रूरत है। ये बहुत ही आसान तरीके से बगैर गैस के, बगैर गैस जलाए आप इसको इजीली बना सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये रेसिपी, तो आप ज़रूर से ट्राई करके देखना। और ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। तो चलिए फिर, ये जो बेसन के लड्डू हैं वो मैं बताती हूँ कैसे बनेंगे और क्या क्या इसमें जाएगा। चने के लड्डू बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मैं वो बताती हूँ। ये जो है ये मिश्री का पाउडर है, यानी तगार है। ये मिश्री को, जो धागे वाली मिश्री होती है ना, उसको पीस सकते हो या उसका तगार बना सकते हो। तगार बनाओगे तो लड्डू में एक करारापन आ जाएगा। तो तगार बनाने की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और ये काजू है, काजू की जगह आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो। और ये जो चीज़ें हैं इनको आप घटा या बढ़ा सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये भुने हुए चने का जो है पाउडर है, और ये गाय का घी है, और ये है इलायची पाउडर। तो ये बस थोड़ी सी चीज़ें इसमें जाएंगी। और ये जो लड्डू है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हैं, क्योंकि भुना हुआ जो चना है इसमें गाय का घी है और ये सेटा मिश्री है। ये जो खांड है इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। अब ये है, इसको शैलो फ्राई करके भी आप इसमें डाल सकते हो, आप ऐसे भी डाल सकते हो, आप पीस के भी डाल सकते हो। मैं इसको ऐसे ही डाल लूँगी, तो आपकी अपनी चॉइस है। तो क्या करना है, ये जो मीठा है ना, ये एक कटोरी है, और आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हो। और ये जो पाउडर है यानी चने का जो आटा है, ये 1.5 कटोरी है, और आधी चम्मच डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, और इसमें डाल देंगे ये 1 कटोरी गाय का घी है। आप घी को बढ़ा या घटा भी सकते हो, ज़्यादा घी लाइक करते हो तो आप ज़्यादा घी के बना सकते हो। तो इसमें, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसको आप घटा या बढ़ा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो रेशो मैं बता रही हूँ आपका टेस्ट भी वैसा ही हो। तो अब ये देखो, ये मिक्स हो गए हैं, अब इनके लड्डू बना लेते हैं। और कितने बड़े बनाने हैं वो आपकी चॉइस है। मैं ना ज़्यादा बड़े बनाऊंगी और ना ही ज़्यादा छोटे बनाऊंगी। ये देखो, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो इनको मैं सबको बना लेती हूँ और मैं फिर दिखाती हूँ आपको। देखो, ये हो गए हैं सारे जो भुने हुए चने हैं उसके लड्डू। कितने देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, जितने देखने में खूबसूरत लग रहे हैं ना, उतने हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। और ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करना। और चलिए फिर, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक क्या करना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।